love dancing. So I just remember and I used to go to street plays for school. So you have to dance. He said, dance. I said, I was on the road and I was dancing. Without music, I was dancing. And then I was wrong. I said, you want to dance? Two, three songs and stand there and dance. He was like, no, I don't care about you. I really don't care. That's how you should be. When you're ready, fun. Okay, everyone can do it. I can do that.
Dan. This was really wonderful because girls mein bahut energy hai and they are all set to rock the stage and I was very happy to interact with them because unke questions, unke answers, they were really nice and they want to do something, that's why they are here and I was very happy and thrilled and I also got to learn so many things from them. So I am like really happy to be here. It was all related to modeling and basically I wanted to talk about ki, you know, mentally how you have to be very strong kyunki hum aise field mein hain jahan rejections bhi aate hain aur aapko bahut jaldi success bhi milta hai but it should be like really how to handle it all. So I was talking to them all about it and I hope I was a good use for them and they use it in their future ahead and I wish them all the very best. बहुत सारी बिकॉज ये बहुत नॉस्टैल्जिक मोमेंट होता है. इसी जगह पे मैं भी थी कुछ सालों पहले एंड जैसे आते हैं हमें ग्रूमिंग के लिए और हमें सेशंस देते हैं तो एक एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है बिकॉज आपको इतना कुछ सीखना होता है और नर्वसनेस भी होती है साथ ही साथ क्योंकि यू नो इट्स अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ कॉन्टेस्ट. सो वो जो एक जोन होता है ना वो आपको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं और मैं अभी उन सब लड़कियों में ये सब महसूस कर रही थी, कहीं ना कहीं अपने आप को देख रही थी क्योंकि वो एक होता है ना कि आपके अंदर ये होता है चाह होती है कि मुझे ये करना है और ये करना है और इसके लिए मैं जितना सीख सकूं उतना अच्छा है. सो दिस वाज व्हाट आई वाज फीलिंग फॉर ईच एंड एवरी गर्ल एंड दिस आई वाज फीलिंग व्हेन आई वाज देयर. सो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल मोमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इन सब लड़कियों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ दे कैन यू नो दे गोइंग टू गेट ग्रूम्ड एंड दे गोइंग टू बी रियली परफेक्ट फॉर द डे. सो व्हाट बेटर. सो आई एम रियली हैप्पी एंड थ्रिल्ड. थैंकफुली मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ. माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव, माई मॉम एंड डैड दे ऑलवेज यू नो हैव बीन बाय माई साइड और कभी ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने मुझे ये बोला था कि जो करना है करो, तुम्हें लगता है तुम कर सकती हो तो करो एंड दैट इज़ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्योंकि मेरे पेरेंट्स का मुझ पर बहुत कॉन्फिडेंस है एंड आई कैन नॉट लेट इट डाउन. सो अगर कभी वो एक मोमेंट भी आता है ना जब आप फील लो करते हैं देन आई रियलाइज नो माई पेरेंट्स हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी एंड मोर देन दैट आई हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माई सेल्फ. तो वो जो होता है ना वो आपको और जोश देता है अच्छे से काम करने के लिए. मैं कहना चाहूँगी कि गर्ल्स यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट और आप लोग बहुत सही प्लेटफॉर्म मिला है आप सबको. प्लीज़ इसका अच्छे से अच्छा यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए. मैंने कहा कि जैसे सब कहते हैं इट्स अ कॉम्पिटिशन, येस इट्स अ कॉम्पिटिशन एंड नॉट विद अदर्स बट विद योर सेल्फ क्योंकि आज आप जैसे आपको कल उससे और बेहतर होना है. सो जस्ट कम्पीट विद योर सेल्फ, कीप दैट फायर बर्निंग एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू रॉक इट. थैंक यू सो मच. ओके पेसिला 2018 का आज फर्स्ट दिन था ग्रूमिंग का. कंटेस्टेंट्स लुक वेरी प्रॉमिसिंग, इंडिया के अलग अलग शहरों से अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये पांच जन की जर्नी है जो हमारे साथ स्पेंड करने वाले हैं. तो हमें यकीन है कि जिस तरह से इनका इंटरेस्ट और जिस तरह से वो पूरी उत्सुकता के साथ यहाँ आई हैं तो वो इसमें काफ़ी तरक्की करेंगी और ये आप मेन शो में ज़रूर देखेंगे. Definitely India is a very very big market when it comes to global fashion. The amount of the number of population is a strength, so more the people more the fashion. And yes, Indian people are more ahead in fashion and people are more open to now adapting and aping to international and global things in terms of fashion and style. So it's a great opportunity for anybody who wants to enter venture fashion in India. I'm sorry,
किस तरह के? बेसिकली हमारे शो में तीन राउंड होने वाले हैं, तो जो हम जिस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, पहला इंडियन वेयर है सारी, दूसरा इवनिंग वेयर और एक कॉकटेल ड्रेस है, जो इंडिया के तीन माने हुए डिज़ाइनर इनको ड्रेसअप कर रहे हैं मेन शो के लिए। तो ओवरऑल गर्ल्स को एक पूरा एक्सपीरियंस होने वाला है, जो हर तरह के गारमेंट जो फैशन में इंडियन से लेकर वेस्टर्न तक हर चीज़ का वो किस तरह कैरी करना है, क्या प्रेजेंट करना है, वो उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि गर्ल्स इट्स अ प्लेटफॉर्म गिवन टू यू बाय फसीना टीम, मेक द बेस्ट यूज आउट ऑफ इट। आपको बहुत अच्छे मेंटर्स मिले हैं, बहुत अच्छे फैशन पीपल मिले हैं, तो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़िए। थैंक यू। हमारा आज फसीना का फर्स्ट डे है एंड हमारी ग्रूमिंग क्लास स्टार्ट हुई है आज से, और मैं काफ़ी खुश हूँ। मोस्टली जगह से जितनी भी लड़कियाँ आई हैं, पार्टिसिपेंट बहुत बढ़िया हैं, और मुझे काफ़ी एक्सपेक्टेशन से इस इवेंट को लेके, बिकॉज मेरा भी ये फर्स्ट इवेंट है, और जितनी भी लड़कियाँ आई हैं सब बहुत ही अच्छी हैं, और मैं आशा करता हूँ कि सब बहुत आगे जाएँ, अपने मुकाम हासिल करें। जो मैंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है, इसके थ्रू उनको उनकी मंजिल मिले, ये मेरी आशा है। देखिए, हमारे जितने भी मेंटोर हैं और ग्रूमिंग क्लासेस के सर हैं, साकिर शेख सर हैं, ये सभी इनको बहुत अच्छी तरह से ग्रूम करके पर्टिकुलर जैसा होना चाहिए एक टॉप मॉडल को, जो हमें रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सिखाया जाएगा। हमारे जितने भी जजेस हैं और ट्रेनर हैं, वो सभी उनको बढ़िया अच्छी तरह से तैयार करेंगे, और सब उनका बेस्ट जैसे भी होगा, मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ ही है। आप अपना जो भी बेस्ट है वो अपने काम में दीजिए, और आपके लिए जो बेस्ट है वो आपको ज़रूर मिलेगा। So hi everyone, we are the top 20 contestants of Fasina Miss India, and we are really very fortunate enough to be a part of it. We have been groomed by all the experienced one, and we really feel great about it. The grooming session is awesome, and we are learning new things, and we just hope that we grow much better and better and get a better version of us. It was just amazing sessions. It was a pleasure to meet us, such an honored guest. So this was a very good session, like they are grooming us very well, and they are taking care of us as well, and they are pampering us, they are keeping us as their children, and the main thing, they are just trying to motivate us, no matter what happens next, but they are grooming us for the next level, for forever. So that is the best thing about them. No even has treated us like this, like the princess. They are keeping us so happy, and they are like treating us like, do whatever you want, no matter if crown is yours or not, you have to just be yourself, and that is the best thing I can say about this, and I'm just loving it. This is not my first thing, but I am loving these things because this is the firstly experience for me, I can say. Thank you. Thank you. All the best. Just
just walk in, it's just all about your act. This is the main one. Because that is the most important thing. I don't know, I keep talking, but if you have any questions, go ahead. Your journey this morning, how did you start it? What did you do? Overall journey. So this is quite interesting. Basically, I'm just a sports person. I used to play cricket for my state. I used to play hockey. I used to play basketball. I have like gold medalist in athletics and a training class. Ultimately, I started doing showstoppers for maximum designers, and that's how it all started. And I won Miss Uttarakhand, I won Miss Photogenic Pune, I won Miss Design Pune. So it happened to me because I realized this is something that I love doing. This was my hobby, not my profession. So for a brand model, like professional model, you have to be a certain height. But at the end of the day, even if you don't meet it there, you're somewhere where you want to do things. It gives you a satisfaction. Yes, I'm good. I never felt bad when I was in that way. I'm not very tall. I'm very happy when I'm in that way. Because I am doing it. That's the most important thing. Because maximum time by my height. So no, that doesn't make a difference. That's okay. Not here, maybe. This platform will give you confidence to move ahead. Not in this market. That's how it started. I walked for Gitanjali, Nat China, and my sides So that's how it started. I believe there is no such thing where you don't have to struggle. You have to struggle. Because you're doing something that you have. Not everybody is doing. There is a doctor. Doctor also has to struggle to do it. But then, now I'm going to realize
bad, we are very sad. But down that you guys go and do this. This wasn't meant for me. It was wasting my time. So yeah, gradually you will learn this. Not initially, but then this is the kind of motivation that you have to keep for yourself. Then this. There have been times I've been a lot of auditions before. And what I used to give auditions. Go home and forget. My job is to go and give audition. I hope you audition. Rest, selecting, non-selecting is not my job. It's the other person's job. So let them do it. And I always do that. And I tell everyone, don't expect. You go, give your audition, give your best. The moment you're out from the audition hall, you're like, forget it. Next one. That's your job. What are you doing next? And automatically, you will, whenever you get a call, you are not expecting it. So you will be happy about it. When you're expecting, you know, I'm making so shit and I wanted to get it, you didn't get a call. And you're like, shit, I didn't get a call. That makes you depressed. So no. Give your audition. The moment you're out of audition hall, you're like, switch it off. What next? Where are you going to go next? That will keep you moving. And that will give you strength to keep on doing things and doing things and doing things. And when the result happens, you will be very happy with it. Because there is no sign where you're not expecting things. It's very difficult. We do expect. We do expect all things in life. But we have to get this habit of not expecting. That fire of you. I don't care who's talking to her. I want to be there. That girl is mine. She may have asked you whatever this is. But that fire needs to be within you. And yes, I want it. Just that you don't have it, you can't do it. You know, you go. Just about that is very much in you, and that's the X factor. How much more in you? That's very important. I 100% believe there's a lot of hard work, and there is nothing that you can't be achieve if you don't put in your heart. You need to give it up, all what you have, all that you can do possibly. And I don't say 100%, I say 1000%. So let's do 1000%. No 100%. There's no 100%. Let's work with 1000%. I got my subject, which I like. My family divorced me to do anything that was not.
working, what if
good at that. If she walks, people are going to see her. She is going to walk. So when you, you know, make yourself and keep improving yourself, then people are bound to take you well. People will not like it. And there is no harm in it. Even if you're not into modeling for anything, what's harm in it? Who doesn't pay attention? Who doesn't want to be fit? Right? So what happened? There used to be time when I used to be really pissed off. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. And that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai. Is par kuch roshni daliye.
रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।